फंस गया इसराइल हमास की सुरंग में हिजबुल्ला। तीन हफ्ते बाद भी इसराइल हमास के लड़ाकों को जमीन पर रौंद नहीं पाया है। तीन हफ्ते बाद भी इसराइल की आईडीएफ लगातार गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान के बॉर्डर पर अंधाधुंध बमबारी कर रही है। तीन हफ्ते बाद भी इसराइल को समझ नहीं आ रहा है कि 500 किलोमीटर लंबी हमास की सुरंगों में हिजबुल्ला के लड़ाके कैसे पहुंच गए और अब हिजबुल्ला के लड़ाके हमास के साथ मिलकर इजरायली सैनिकों के खिलाफ सुरंग वाला गुरेला वॉर कैसे करने लगे हैं। हम आपको आज इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेट का वो खुलासा बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आखिरी वक्त में गाजा में जमीनी हमलों को मंजूरी देने से मना कर दिया है। इस पर हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। सुरंग में घुसे हमास किलर 269 साइरेट मटका। आप गाजा पट्टी में जितने बड़े खून खराबे की कल्पना कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आपकी कल्पना और सोच से कहीं ज्यादा खूनी जंग गाजा में हो रही है। गाजा जंग अब इसराइल के वजूद से जुड़ गई है। या तो अब यहूदियों का इसराइल रहेगा या फिर मुस्लिम देशों के हीरो बने हमास का गाजा इसराइल को मिटा देगा। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने अब ऐसा खुलासा कर दिया है जो गाजा की जंग को शायद दुनिया की सबसे खूनी जंग बनाने जा रहा है। बराक ने दावा किया है कि इस वक्त गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में इसराइल के सबसे माहिर और बेरहम सैनिक हमास के लड़ाकों और कमांडरों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने न्यूज़वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसराइल की आईडीएफ को गाजा पट्टी में बेहद शातिर और क्रूर हमास लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इसराइल ने अपने सबसे माहिर और बेहतरीन सैनिकों को भेजा है जिन्हें 269 साइरेट मटकल के नाम से जाना जाता है। इसराइल की ये ऐसी खुफिया सैनिकों की यूनिट है जो बेहद तेज दिमाग और दिलेरी से हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। दावा किया गया है कि इसराइल की 269 साइरेट मटकल ही हमास के कमांडर और डिप्टी कमांडर्स को चुन चुन कर मार रही है। फंस गया इसराइल हमास की सुरंग में हिजबुल्ला। गाजा पट्टी की जमीन पर लाशों का अंबार लग रहा है। हमास के 12 से 15 कमांडरों इजरायली सेना ने मार दिया है, लेकिन अब पता चला है कि गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में एंटी टैंक मिसाइलों से लैस हिजबुल्ला के हजारों लड़ाके मौजूद जो इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से अब तक कई इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। खबर तो यहां तक आ रही है कि ईरान के इशारे पर लेबनान के हिजबुल्ला ने इजरायली सेना से सीधी जंग के लिए गाजा पट्टी को फाइनल वॉर जोन बना दिया है। ईरान से मिली बेहतरीन ट्रेनिंग के बदौलत हिजबुल्ला के 60 लड़ाके इजरायल के किसी यमदूत से कम नहीं है। अगर हमास, हिजबुल्ला और दूसरे जिहादी गुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया जाए तो इस वक्त 246,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाके गाजा इस्लाम और जिहाद के नाम पर इसराइलियों को गाजर मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर हैं। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरअल्लाह यहां तक दावा करते हैं कि उनके पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इसराइल को मिडल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगे। كما تمكن عدد من المجاهدين من الانسحاب بسلام من قاعدة أوريم التي تضم وحدة الاستخبارات 8200 بعد انتهاء مهمتهم فيها.
हमास के लड़ाके तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि 500 किलोमीटर में फैली 1300 से ज्यादा सुरंगें इजरायली सैनिकों की कब्र साबित होंगी। हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने कहा है कि हम गाजा पट्टी में इजरायल का सर्वनाश कर देंगे। From the first moment, according to the declaration of the Hamas brigade spokesman Abu Ubaida, he said clearly that we are dealing with the hostages according to our ethics and morals. And before that, Muhammad al-Dif, the head of the Qassam brigade, he declared from the first moment that we have to avoid the elders, the sick men, the women, the children, because our operation is directed to the military purposes. So I think we have communication with some mediators, Qatari and Egyptians and others, and we 20 साल तक गाजा को रौंदेगा इजराइल। इधर इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और हिजबुल्ला के लड़ाकों पर इजरायली सेना ने हमले इतने तेज कर दिए हैं कि हमास और हिजबुल्ला को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि इजरायली सेना अगले 10 से 20 सालों तक 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी को अपने कब्जे में रखेगी। अगले 20 साल तक गाजा में हमास की आने वाली नस्ल तक को इसराइल की आईडीएफ पूरी तरह से सफाया कर देगी। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी, इसमें हमास के 3 डिप्टी कमांडरों समेत सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक और लड़ाके मारे गए हैं। जरा देखिए इजरायल की आईडीएफ क्या दावा कर रही है। गाजा में 24 घंटे में 704 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायल ने मस्जिदों में बने हमास के कई कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए, एक सुरंग भी नष्ट कर दी जिसके जरिए आतंकी समुद्र के रास्ते इसराइल में घुसपैठ करते थे। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में कई हमास कमांडर भी मारे गए हैं। इजरायल के मुताबिक हमले में हमास के नुसीरत, शाती और अल फुरकन बटालियन के डिप्टी कमांडर मारे गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी इसराइल ने हिजबुल्ला पर भीषण हमले किए हैं। अब तक हिजबुल्ला के 45 लड़ाके इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। बंकर अस्पताल के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि कैसे ये बंकर अस्पताल अभी पूरी तरह से युद्ध की शुरुआत भले ना हुई हो हिजबुल्ला के साथ, झड़पें चल रही हो, कुछ रॉकेट और मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हो, लेकिन युद्ध की स्थिति के लिए, बड़े युद्ध की स्थिति के लिए नहारिया का बंकर अस्पताल, जिसे गैलीली मेडिकल सेंटर के तौर पर जाना जाता है, वो तैयार है युद्ध के लिए। अगर किसी तरह के मरीज उनके पास आते हैं तो हर इलाज की सुविधा यहाँ मौजूद है, बिना किसी रॉकेट के डर के, बिना किसी मिसाइल के डर के, बिना किसी बॉम्ब के डर के, न यहाँ धुआं घुसेगा, और अगर रासायनिक हथियार से भी हमला कर दिया जाता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी अस्पताल ने कर रखी है। कुछ जानकारों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है। कतर भी अब इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है, जबकि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की और दबी जुबान में मिस्र भी इजरायली हमलों को लेकर सख्त तेवर दिखाने लगा है। लेकिन इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए फिर कहा है कि इसराइल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद ही जंग रोकेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने तो साफ कह दिया है कि ईरान हमास की आड़ में जिस आग से खेल रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगी।